सबका स्वागत है। बच्चों, आप जो भी पढ़ते हो उसको अगर लगन से पढ़ेंगे, उसको टेक्निक से पढ़ेंगे, हार्ड वर्क के साथ अगर स्मार्ट वर्क होगा तो जितना कुछ भी पढ़ा है बहुत कम समय में समझ सकोगे और उससे आप एग्जाम में बहुत बेटर परफॉर्म कर सकोगे। कब? जब आप कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ेंगे। इसीलिए जब मैं पढ़ाऊंगा तो 100% अटेंशन बोर्ड पे होना चाहिए। जो भी चैप्टर हम पढ़ें उस चैप्टर को एक तपस्या की तरह, एक पूजा की तरह पढ़ना है। ऐसा समझना है कि हम जीवन में कुछ करने जा रहे हैं तो उसको क्यों ना हम 100% अपनी देकर करें। एक उसमें उमंग होनी चाहिए, इंथुजियाज्म होना चाहिए। जिसके अंदर इंथुजियाज्म है, जिसके अंदर पढ़ने की लगन है, वो बहुत अच्छे से पढ़ सकता है। ध्यान दीजिए सब लोग, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ के बारे में। सबसे पहले ये जो लाइट होती है, प्रकाश है ना, तो दुनिया में प्रकाश कहां से मिलता है? हमें अलग अलग सोर्सेस है। एक तो है सूरज, है सन, सनलाइट, या फिर बहुत सारे हमारे घर में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है जिनसे हम लाइट मिलते हैं हमें। तो लाइट एक्चुअली में इट इज अ वेव। लाइट क्या है? एक वेव है, एक तरंग है। कैसी वेव है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब होता है कि जिसमें दो चीजें होती है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इसमें इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं बेटे, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, दूसरा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट ये क्या है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं 11th और 12th स्टैंडर्ड में। लेकिन अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखो कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हुए ये जब फ्लो करते हैं तो इसी को हम लाइट कहते हैं। लाइट को हम अलग अलग फेनोमेनॉन से जानते हैं, तो इसीलिए लाइट के अलग अलग जो हमें, जैसे हम देखते किसी चीज को, आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हो, किसकी वजह से? लाइट की वजह से। कैसे कैसे होता है कि हम कैसे देख पाते हैं? हमारी आंखें हमारा कैमरा है ना। इस बॉडी का कैमरा क्या है? ये आंखें हैं। अब जब आप ये लाइट वर्ड आप देख पा रहे हो या मुझे आप देख पा रहे हो, तो आप मुझे कैसे देख रहे हो? लाइट आके मुझ पर फॉल हो रही है, और जब ये मुझ पर जो इंसिडेंट है रे, वो लाइट, वो जब रिफ्लेक्ट होके आपके तरफ मुड़ रही है, तब जाके आप मुझे देख पाते हो। ये लाइट जाके आपकी आंखों में जा रही है। ये लाइट आपकी आंखों में जब जाएगी, तब आपकी आंखों में पीछे एक पर्दा होता है। उस पर्दे का नाम क्या है आपको बताएं? रेटिना, है ना, सुना होगा। तो एक रेटिना नाम का पर्दा है। जब ये लाइट मुझ पर फॉल हो रही है, आपकी तरफ जा रही है, आपकी आंखों में जा रही है, आंखों में पर्दा है, उसके ऊपर फॉल हो रही है, इसलिए आपको, आप देख पा रहे हो इसको। तो लाइट हमें सारी चीजें दुनिया की दिखाती है ना। लाइट दुनिया की सारी चीजें हमें दिखाती है, राइट? तो इसीलिए लाइट का अलग अलग फिनोमेनॉन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम चालू करेंगे जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन नाम का फिनोमेनॉन क्या है, इसको बहुत अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा आपके घरों में सुबह सुबह जब नहाते हो, तो नहाने के बाद सबसे पहले कंघी करने जाते हैं, मेकअप करने जाते हो। कहां पर जाते हो? मिरर के सामने, है ना, मिरर। तो मिरर के सामने जब जाओगे, खड़े रह जाओगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपका प्रतिबिंब, आपका इमेज दिखता है। इसका मतलब आपके ऊपर जो लाइट फॉल हो रही है वो मिरर के ऊपर फॉल होगी, और मिरर के ऊपर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होके जब आपको वो इमेज दिखेगी, तो हम इसी रिफ्लेक्शन को पढ़ना चाहते हैं। अगर एक कोई रे ऑफ लाइट यहां पर फॉल हो गई, यहां पर इंसिडेंट हो गई, इस मिरर के ऊपर आके
फॉल हो गए तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसी मीडियम में वापस चली आएगी। इस फिनोमिनॉन का नाम है रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इट इज सेंडिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम बाय अ प्लेन सरफेस या फिर कोई भी सरफेस हो, है ना। तो इस सरफेस की वजह से जब लाइट बैक आके उसी मीडियम में बेंड बैक हो गई, इस फिनोमिनॉन का नाम है रिफ्लेक्शन। अब ये सेम मीडियम में कहा मैंने, देखिए सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में जाके रिफ्लेक्ट हो गई, इसका नाम है रिफ्लेक्शन। सेम मीडियम में आके रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। तो रिफ्लेक्शन के लिए ये जो लाइट आई और इस मिरर के ऊपर फॉल हो गई, ये आपका मिरर है, आईना है आपका, तो इस रे को कहा जाता है इंसिडेंट रे। ध्यान दीजिए सब लोग, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का मतलब होता है, इंसिडेंट रे मतलब जो आ रही है लाइट का रे मिरर की तरफ, इसका नाम है इंसिडेंट रे, ठीक है। और जब रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी तो इसको कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम है इसका? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। उसी तरह अब ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, अब ये जो मिरर है आपका, ये मिरर को एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींचिए, ठीक है। ऐसी परपेंडिकुलर लाइन जो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींचोगे इस तरह, तो ये परपेंडिकुलर लाइन कही जाती है नॉर्मल। इसका नाम है नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल का मतलब होता है इट इज द परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। इसका एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो ये चीजें समझ में आई सबके? इंसिडेंट रे का मतलब होता है द लाइट विच इज कमिंग टूवर्ड्स द मिरर, है ना। जब रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है तो इसका नाम क्या बना? रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और ये जो परपेंडिकुलर है इस सरफेस को, इसका नाम है नॉर्मल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ है, ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया हुआ एंगल कहा जाता है आई, आई, और इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर लिख देता हूं आई कौन है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, है ना। इंसिडेंट रे ने बनाया हुआ एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, काफी सिंपल है। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया हुआ है आर, और इस आर को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये काफी आसान सी चीज है, राइट। तो दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल हो गई जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर, ये आई क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच का एंगल है आई। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है उसका नाम क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वेरी सिंपल, ठीक है। तो यहां तक ये सारी बातें आपके समझ में आ गई। आगे बढ़े,